हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजडम जी के स्टडी 357M पर। आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल, जिसे कि हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? कुल 8 प्रकार के होते हैं। मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, वेनस, अरुण, नेपट्यून, वरुण। हेलो दोस्तों, ये जो ग्रह हैं इनको याद करने की हम ट्रिक बताएंगे जो वीडियो के लास्ट में देखेंगे आप लोग, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। तीसरा है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। आपका अगला 8वां प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। अगला 9वां प्रश्न है, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह क्रमशः मंगल तथा पृथ्वी। कब लाल ग्रह मंगल है और नीला ग्रह पृथ्वी है। आपका अगला 10वां प्रश्न है, पीला ग्रह तथा हरा ग्रह क्रमशः, क्रम मतलब ये पीला ग्रह मतलब बृहस्पति है और हरा ग्रह मतलब अरुण है। क्रमशः इसीलिए होता है कि सीरियल से है। आपका अगला 11वां प्रश्न है, भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र। शुक्र को हम भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और जुड़वा ग्रह भी कहलाता है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। 12वां प्रश्न है, अगला देखिए, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान, चंद्रमा पर दिन का जो तापमान है क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान होता है -180 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को इसको हम जरा डिटेल से समझा रहे हैं। चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। जो चंद्रमा पर जो एक दिन होता है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा पर जो एक दिन होता है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है चांद पर दिन और रात के तापमान में भीषण अंतर होता है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर होता है। आपका अगला 13वां प्रश्न है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 14, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 15, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, मंगल के उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान। 17, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वलय युक्त ग्रह है शनि। नेक्स्ट नंबर है, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इसको चक्कर लगाने में कुल कितना समय, कितने दिन लगते हैं? बुध को चक्कर लगाने में कुल कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण। आपका अगला 20वां प्रश्न है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण। आपका नेक्स्ट प्रश्न 21 है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, इसको डॉम स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 22, सौर दिवस की अवधि 24 घंटा। अगला नंबर है 23, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान क्रमशः 15 डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 24, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, मतलब कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है 25, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1 मिनट 3 सेकंड। अगला नंबर है 26, सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 74% और हीलियम 25%। नेक्स्ट नंबर है 27, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला नंबर है 28, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। अगला नंबर है 29, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। अगला नंबर है 30, पृथ्वी का पिश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है 43
किलोमीटर। अगला नंबर है 31, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव 23.5 अंश अक्षांश। अगला नंबर है 32, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला नंबर है 33, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। अगला नंबर है 34, आकाश गंगा की आकृति है, कैसी है? स्पाइरल। अगला नंबर है 35, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। अगला नंबर है 36, सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाशमंडल। अगला नंबर है 37, सूर्य का बाहरी परत कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रीट और कोरोना, मतलब क्रीट को कोरोना भी कहते हैं, जो बाहरी परत होती है सूर्य की उसे हम कोरोना या क्रीट बोलते हैं। अगला नंबर है 38, अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या है कितनी है? 88, और इसमें सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सबसे बड़ा हाइड्रा। अगला नंबर है 39, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, कौन सा है? अभिनव तारा। सही आंसर है अभिनव तारा। अगला नंबर है 40, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण एवं शुक्र पर। अगला नंबर है 41, एक्ट्रोक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला नंबर है 42, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य के अलावा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगला नंबर है 43, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 घंटा, 27.3 दिन, मतलब की 27 दिन 3 घंटा सही आंसर है। कहीं कहीं पर इसके 6 घंटे भी दिए हुए हैं। अगला नंबर है 44, सन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? सही आंसर है 29 साल 5 महीने, मतलब लगभग 30 साल, 30 साल में जो है शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा पाता है। अगला नंबर है 45, क्वेश्चन है प्रॉक्सिमा सेंटोरी किस रंग का तारा है? सही आंसर है लाल रंग का क्षुद्र तारा है। अगला नंबर है 46, क्षुद्र ग्रह स्थित है, कहाँ स्थित है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच, सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेस। अगला नंबर है 47, हेली पुच्छर तारा दिखता है 76 वर्षों बाद, मतलब ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, ये कब दिखाई देगा? 2062 में। अगला नंबर है 48, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ये है सूर्य और ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, जो है पृथ्वी जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है 49, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। जो हमारा चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये रही पृथ्वी और ये सूर्य, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। अगला नंबर है 50, लास्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे के लिए रंग सूचक जितना छोटा हो तारा उतना ही नीला और उतना ही अधिक गर्म होता है। किसी तारे का रंग सूचक अगर बड़ा है तारा उतना ही लाल और उतना ही ठंडा होता है। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये 50 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में ये 100% इसमें से आएंगे। ये जो ग्रह होते हैं इसकी ट्रिक ये है कि इनको अगर लर्न करना है एक साथ ही तो इसका एक नाम होता है, उसका नाम है एमवेम जसन। क्या है? एमवेम जसन। एम से एम हो गया और वेम में हो गया VEM और जसन में हो गया JSUN। एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेप्ट्यून। आप लोग इसको अच्छे से एमएम जसन को लर्न कर लें। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।